जी मैडम, सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्हों ने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जैसे वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है जी मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, की हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जैसे वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो कोई ऐसी अनहोनी किस्म की जगह है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। हम उसको क्यों कहते हैं कि वो जानबदार है, और मैं क्यों कहती हूं कि वो बांदी है? इस वजह से कि हर वो काम कर रही है जिसका हमें पता था वो करेंगे, और हमें पता था इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर किस भरोसे से हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। आपके सामने है इलेक्शन कमीशन ने, ये पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन उसको अरेस्ट करवाया, अरेस्ट करवा के, और आपके सामने ही है सारा। तो जो हम बात कहते थे वो बिल्कुल ठीक है, वो ये बात है कि ये जानिबदार लोग हैं, और सिर्फ ये जानिबदार नहीं है, इन्होंने जो ऊपर आके चीफ मिनिस्टर बिठाया वो भी जानिबदार आदमी है, और ये कहते हैं कि इलेक्शन इस तरीके से होगी। मैं आपको बताती चली जाऊं, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे जो मर्जी हालात हों, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगा, और आप जो मर्जी अपने होछे हथकंडे कर लीजिए, तहरीक इंसाफ ना पीछे हटने को है, खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। आज तीसरा दिन है जब से ये बात पता चली, आपको पता है कि पूरे पंजाब से कारकुन आके खड़े हो गए हैं, और कोई बंदा जो है वो नहीं होने देगा जो इनकी कोशिशें हैं। इसलिए एक दूसरी अहम बात जो है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को, खुदा ना खास्ता इमरान साहब को अरेस्ट करने। तो मैं एक बताती चली जाऊं, इमरान खान के अरेस्ट होने से पहले हम सारे अरेस्ट होंगे, हम सारे पहले जाएंगे उनसे। और इस तरह की ये जो फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं, इनको ये बंद करें। इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, इलेक्शन की तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दफा इलेक्शन की तारीख और एक दफा उसकी शेड्यूल आ जाए, उसके मुताबिक हम अपना काम करना शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आपको मैंने पहले बताया, ये इलेक्शन इमरान खान का है और किसी का नहीं है। इंशाल्लाह ये जो इंटरिम सेटअप है, आमतौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम है। ये आप समझती हैं कि जो अभी तक गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं आई, लगता है निगरान सेटअप 3 माह का नहीं 6 माह का है। देखिए, जो मर्जी ये होछी हथकंडे करें, आपको बताया कि लीगली उनको इजाजत नहीं है, वो उन्हें 90 दिन के अंदर अंदर करवाना ही होगा। किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाजत नहीं देती कि वह 90 दिनों के बाद एक्सीड करे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहां तक ताल्लुक है इसका, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा, और ऑलरेडी हम कोर्ट में जाएंगे सिर्फ इसीलिए कि अगर ये ना करवाए तो। वजीर आजम को कब आप एतमाद के वोट का कहने जा रहे हैं सदर के?
देखिए ये जो है सेंटर वाले करेंगे, आपको पता है असद उमर साहब आए हैं, वो बताएंगे आपको, मेरा ख्याल ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वो अनाउंस कर चुके हैं जो भी उनका प्रोग्राम है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है उसके बारे में जो आप उनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। और पंजाब में आए हैं गवर्नर साहब जो है आईन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इरादा रखते हैं? देखें जी, हर खिलाफ वर्जी के लिए हम अदालत में जाएंगे, हर खिलाफ वर्जी के लिए अदालत में जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो भी ज्यादतियां बेजाबतियां की उन सब के खिलाफ हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, हम अपनी रिट पटिशंस भी करेंगे और इनको इस तरह हमने करने ही नहीं देना जो इनके इरादे हैं। आज के दिन जो सबसे अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं, और आपको पता है कि कितनी 22,000 लग्जरी गाड़ियां जो है उन्होंने इंपोर्ट कर ली। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, 90 अरब रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दिए हैं डेवलपमेंट चार्जेस, और यहाँ ये जो सेहत कार्ड है उसके 7 अरब रुपए जो देने थे वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।